अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक रिसीवर है F1 F2 ग्रीन गोटू वाला, और इसमें इसका जो कार्ड है GX6805 वाला है। तो आज इसमें फॉल्ट ये है कि इसके ना तो सिग्नल शो होते हैं और ना ही क्वालिटी स्ट्रेंथ वगैरह इसकी शो नहीं होती, स्ट्रेंथ वगैरह। और इसमें ये अब हमने चेक करना है कि इसको ये जो सिग्नल का फॉल्ट है, क्या इसको पावर सप्लाई की तरफ से है या इसको मेन कार्ड की तरफ से मसला है। तो अब हम इसके पहले तो पावर सप्लाई की वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे रिसीवर को क्या पावर सप्लाई की तरफ से मसला तो नहीं है। ये है जी इसका पावर सप्लाई का मेन जैक, ये 5 वोल्टेज ठीक है, ये ग्राउंड है, ये इसके 14 वोल्टेज ठीक है, ये इसके 21 वोल्टेज। तो इसके जो वोल्टेज हैं पावर सप्लाई के, वो तो ठीक पावर सप्लाई वोल्टेज दे रही है। अब जो भी हमारा मसला है, इसको इस मेन कार्ड की तरफ से मसला है। तो अब हमने इसका चेक करना है कि इसका सिग्नल वाला हमारा एरिया कौन सा है, पहले तो आपने ये चेक करना है। तो इस रिसीवर हमारे का जो सिग्नल वाला एरिया है, तो वो है इसका ये वाला एरिया, ठीक है जी, ये वाला एरिया इसका है जी सिग्नल फॉल्ट। इसमें से हमने इसका सिग्नल फॉल्ट निकालना है। तो इसकी एलएमबी को मैंने लगा दी, और अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ कि इसको सिग्नल का किस तरह का फॉल्ट है। तो ये देख सकते हैं कि इसने एलएमबी वगैरह कोई शो नहीं कराई, क्वालिटी और स्ट्रेंथ ये वगैरह इसने नहीं कराया, किसी के ऊपर भी इसने कोई शो नहीं कराया। तो इस हमारे रिसीवर में ये फॉल्ट है। इस फॉल्ट के लिए आपने एक सिंपल सा इसका काम करना है, पहले तो आपने इसका ये वाला एरिया वॉश कर लेना है, और उसके बाद आपने इसके वोल्टेज चेक करने हैं, 14 वोल्टेज और 18 वोल्टेज इसके वी और एच की स्विचिंग के होते हैं, वी इसके वोल्टेज होते हैं 14 और इसके जो एच के वोल्टेज होते हैं वो 18 होते हैं, और इसके जो कि सिग्नल के लिए होते हैं वो इसके होते हैं 1.4 वोल्टेज। तो अब मैं इसको पेस्ट लगा कर रिसोल्ड कर देता हूँ। पहले आपने इसकी हाथ की पल्स देकर इसको चेक कर लेना है कि आपके रिसीवर को क्या इस ट्यूनर का मसला है या इस मेन आईसी का मसला है। तो इस हमारे रिसीवर का इस ट्यूनर का मसला है, तो अब मैं इसको रिसोल्ड कर देता हूँ। ये देख सकते हैं जी, इसको मैंने रीसोल्ड कर दिया है। तो अब मैं आपको ये चलाकर दिखा देता हूँ। और ये आप देख सकते हैं इसके स्ट्रेंथ वगैरह आ गई है जी। और अब मैं आपको इसके साथ लगा कर दिखा देता हूँ। Çok doğru.
तो ये देख सकते हैं इसने रिसीवर ने सीटियाँ लेकर आने शुरू कर दी। तो आज के रिसीवर का जो सिग्नल फाट था वो क्लियर हो गया। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।